सो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हम न्यू ईयर मनाने के लिए। ये क्या कर रहे हो सर? हेलो सर, आज सर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी। आ गए डोसा खाने, हैप्पी न्यू ईयर पार्टी पे। और चलो आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो सबको सबसे पहले तो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर हम सबकी तरफ से। और आज हम निकले थे न्यू ईयर मनाने के लिए, तो पास में पता लगा कि यहाँ पर एक होटल है, क्राउन प्लाजा, क्या नाम है, क्राउन प्लाजा नाम से एक होटल है। यहाँ पर सेल लगी हुई है काफ़ी अच्छी, तो हमने सोचा क्यों ना सेल में एक बार ट्राई किया जाए किस टाइप के कपड़े मिल रहे हैं। काफ़ी सारा विंटर कलेक्शन है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हम। और काफ़ी अच्छी सेल यार, काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल होटल है। देखो कितनी बड़ी होटल है, ये बहुत अच्छी होटल है। और ये रोहिणी में है, मैं आपको बता दूं जो लोग दिल्ली से हैं, तो ये क्राउन प्लाजा जो होटल है ये रोहिणी के अंदर है। और सेल लगी हुई है, तो चलिए सेल में देखते हैं पहले तो क्या क्या मिलता है। और देख लो कितनी बड़ी सी होटल है, बहुत बड़ी होटल है ये, देखो बहुत ही शानदार होटल है। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ आके, तो चलिए पहले तो सेल देख लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर सामने दिखाती हूँ मैं सेल लगी हुई है जो शॉपिंग के लिए। और ये देखो ये यहाँ का बहुत अच्छा एंट्रेंस है, और इस तरह से यहाँ पे ये लगा हुआ है फैशन का एंड लाइफ स्टाइल, और सभी ब्रांड के यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे आपको। देख आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कपड़े हैं। और अगर नया नया कुछ मिलता है तो लेने का ट्राई करते हैं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। विंटर कलेक्शन अभी इधर आओ अभी। कार्गो है क्या इसके अंदर? और ये देखो यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 400 में मिली हुई है, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर सारा बॉयज का कलेक्शन है, टी शर्ट वगैरह है। गर्ल्स का देखो कलेक्शन, ये भी 400। किड्स वियर देखो, किड्स वियर ये किड्स बच्चों के लिए है ये वाला। और देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छा मिलता है। वैसे यहाँ पर सारे के सारे फ्रेश पीस है, मतलब डुप्लीकेट नहीं है, सारे अच्छी क्वालिटी के कपड़े आते हैं यहाँ पर। मैं पहले भी आई हूँ कई बार, तो देखते हैं अभी क्या मिलता है। अच्छा एक बार इधर का देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, कितनी सुंदर लग रही है। यस ये देखो एक बार कितना सुंदर और इस तरह अच्छा सा हो सेल ली है। ऊपर को ओनली 200 देखो कितना, मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है। अगर कुछ अच्छा मिलता है तो कोई हर्ज नहीं है लेने में। और देखती हूँ मैं कुछ अच्छा मिलता है तो। ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है अभी लूँगा, अभी देखती हूँ ना मैं आपकी। चलिए आइए भी दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी जीन्स मिल रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एकदम फ्रेश चीज़ है, डुप्लीकेट नहीं है। ये 600 की है, तो आप लोगों को आना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं क्राउन प्लाजा। कुछ मिला है, पूरा सेट है, बिल्कुल फ्रेश है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस यहां पर देखो पहले से बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई क्योंकि ये पहले 1000 था, 1000 के अराउंड था, अभी यहां पे 1500 15000। तो चलिए आगे भी देखते हैं, इधर दिखाते हैं। देखो यहां पर भी है ब्लैंकेट काफ़ी सारे, 1000 में लिया था ना मैंने। हाँ ये वाला सेम ब्लैंकेट हमने लिया था 1000 में, सेम टू सेम, अभी इसका प्राइस बढ़ गया है। आपको कपड़े देखो कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं ये सब, काफ़ी बड़ा वाओ। पर्स आप देख सकते हैं, पर्स कितने अच्छे अच्छे हैं। प्राइस क्या है पर इनकी? पर्स आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट लग रहे हैं पर्स। जैकेट्स वगैरह देखो कितने अच्छे अच्छे हैं।
बार शर्ट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। पिछली बार लास्ट टाइम हम आए थे तो बहुत अच्छी अच्छी शर्ट भी थी और फ्रेश चीज पे और सस्ते भी थे, और इस बार बेकार है, इस बार अच्छा नहीं आया, पसंद नहीं आया ना कलेक्शन। और इधर देखो ये टाइगर प्रिंट, ये देखना। सो फ्रेंड्स फाइनली हमने ले लिए कपड़े, और कपड़े के नाम पे सिर्फ हमने एक जैकेट खरीदी है क्योंकि हमें और कुछ पसंद नहीं आया, सिर्फ ये जैकेट पसंद आई है। तो ये लवली की जैकेट है, बहुत सुंदर लग रही थी और ये देखो लवली। तो बस अभी यहाँ पर इसका पेमेंट कराते हैं और फिर निकलते हैं, और आप देख लो लास्ट टाइम कैसा दिखता है ये पूरा हॉल, इस तरीके से यहाँ पर सही लगी रहती है। तो इस बार ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, लास्ट टाइम हम आए थे तो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर कलेक्शन इस बार काफ़ी ज़्यादा विंटर कलेक्शन है, काफ़ी महंगा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा कुछ मिल गया। बस हम यही कर लेंगे, और ये हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं पेमेंट कराने के लिए लड़कियों के पीछे, देखो। तो बस अभी निकलेंगे इधर से बाहर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ले लिए हमने जैकेट और इसको हम पैक करा रहे हैं, एक जैकेट हमने लिए सिर्फ, तो अभी ये पैक हो जाएगी और हम चलने वाले। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, मतलब घर नहीं जाएंगे अभी, हमने इस बार एक ही ली, पिछली बार हमने 20,000 की शॉपिंग की थी क्योंकि हमें सही लगा था। पिछली बार हम पूरे 20,000 उड़ा के गए थे इधर क्योंकि काफ़ी अच्छा था, और इस बार तो काफ़ी महंगा है यार, मतलब पिछली बार की जो रेट थी उससे भी ज़्यादा काफ़ी महंगा है। अब हम यहाँ पर डिनर कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी यहाँ पे डिनर वगैरह की व्यवस्था है पूरा, देख लो आप। लंच डिनर नहीं, लंच यार, अभी तो लंच टाइम है, डिनर टाइम नहीं है, तो देखते हैं अभी। अभी आप देख लो सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं, और चलते हैं अभी। फिलहाल तो न्यू ईयर का कुछ प्लान है, देखते हैं क्या प्लान है। और हस्बैंड जी कुछ प्रोग्राम देखने चले गए, कुछ प्रोग्राम हो रहा है इधर, स्पीच हो रही है, पता नहीं किसी चीज़ की स्पीच चल रही है, तो चलिए लेक्चर चल रहे, इधर लेक्चर बोल रहे, लेक्चर चल रहे। तो भाई काफ़ी अच्छी होटल है, जिसको आना है आकर यहाँ पे विजिट कर सकता है, क्राउन प्लाजा होटल का नाम है। लवी इधर आओ बेटा, इधर आओ लवी। तो चलिए फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे भी लंच टाइम चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखो इधर लंच टाइम, सभी लोगों का लंच कर रहे हैं सभी लोग। तो चलते हैं भाई, हम इधर से बाहर निकलते हैं। तो आ गए हम बाहर, चलते हैं घर, घर नहीं जाएंगे अभी, हम न्यू ईयर मनाने के लिए। ये कटारिया सर, हेलो सर, आज तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सभी फ्रेंड्स, पार्टी हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी, डोसा खाने हैप्पी न्यू ईयर पार्टी पे, और चलो आ जाओ। और ये रही हमारी रेस्टोरेंट, यहाँ का डोसा हमें काफ़ी पसंद है, जो लोग रोहिणी में रहते हैं देख लो भाई, और ये काफ़ी अच्छा डोसा बनाते हैं गाइस। तो बस हम इधर ही जाकर खाने वाले हैं, और ये लवी को देखो, लवी ये देखो, चलो 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 चलो, लोग कर दी गाड़ी, ओके चलिए। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा है यहाँ पे, ये क्रिसमस ट्री, और देखो कितना अच्छा डेकोरेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। भैया इधर डोसा बनाते हुए, नो नो नो, चलो। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए यहाँ पे खाने के लिए, और यहाँ पर हम दे रहे हैं ऑर्डर, और हमने यहाँ पे मंगाया था मसाला डोसा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है यहाँ का, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैंने मंगाए थे हक्का नूडल्स, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आपने मुझे कई बार देखा होगा यार, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना मुझे बस यही चीज़ें पसंद है दिल्ली में, और मैं कुछ खाती नहीं हूँ, छोले भटूरे वगैरह मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, ऑयली फूड मैं नहीं खा पाती हूँ, तो बस मैं यही खाती हूँ। और यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है इसलिए मैंने वॉइस ओवर करी है, अगर म्यूजिक नहीं चल रहा होता तो रियल वॉइस में भी हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे को म्यूजिक की वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ी, फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो बस यहाँ पर हस्बैंड मेरे बोल रहे हैं कि काफ़ी टेस्टी होता है, तो बस हमने मंगा लिया। और ये देखो लवी, हम दोनों टूट पड़े हैं, गर्मा गर्म हक्का नूडल्स है, वेज नूडल्स है, एंड यहाँ पर मसाला डोसा, मज़ा आ जाता है खा के यार, सच में गर्मा गर्म था। और बस इसी तरह बीता हमारा नया साल, और आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया नए साल पे यार। हमारा तो बस ऐसे फैमिली के साथ हमने एंजॉय किया, पूरे दिन घूमे फिरे हम,
उसके बाद हमने यहाँ पर खाना खाया और हमने भंडारा भी खाया था यार, मैं बताना भूल गया आपको, भंडारे की वीडियो हम नहीं बना पाए, हम रास्ते में आ रहे थे सुबह के टाइम तो भंडारा चल रहा था बहुत अच्छा नए साल का, तो वो हमने खाया पिया लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए उसकी। तो बस ऐसा रहा हमारा दिन और बस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।